तो आज मेरे हाथ में आप जो ये बुक देख रहे हैं, ये बुक एक स्विंग ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न बुक है। जी हाँ दोस्तों, जिससे मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में चार्ट पैटर्न का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। क्योंकि इंडेक्स में चार्ट पैटर्न वर्क नहीं करता है, कैंडलस्टिक वर्क नहीं करता है, लेकिन स्टॉक्स में वर्क करता है। और मैं पर्सनली स्टॉक्स में यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ उस स्टॉक्स में जो कि मैं होल्ड कर सकूँ और उसी में मेरा रुपया बनता है। तो ये एकमात्र ऐसा बुक है जिसे मैं आपको अभी सामने दिखाने वाला हूँ। इसका नाम क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ है, ये सब आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इस बुक का अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए किस तरीके से इसे फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है मेरे पास बुक, अभी चलिए मैं आपके सामने इसे अनबॉक्स करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे इस बुक का नाम है सुपर ट्रेडिंग बुक। जी हाँ दोस्तों, इट्स सो इजी। ये बुक स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे परफेक्ट माना गया और इसी से मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। इसमें सिंपली क्या क्या है ये सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा और इस बुक से आपको काफ़ी फायदा होने वाला है और इसे मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों बुक के पहले पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे लिखा आ रहा है ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न टोटल 32 स्ट्रैटेजी, यानी 32 ऐसे स्ट्रैटेजी हैं जिसे अगर आप यूज़ करते हैं शेयर मार्केट को समझने और सीखने के लिए तो आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो ये बुक मस्ट जरूरी है। यहाँ पे क्या लिखा है, टाइप ऑफ कैंडल स्टिक्स इंक्लूडेड इन दिस बुक। यहाँ पे 16 ऐसे कैंडल स्टिक्स हैं जिसे आप यूज करके यहाँ पे अच्छा रुपया बना सकते हैं और इसे समझने के लिए बहुत आसान तरीके से हिंदी में इसमें बताया गया है। क्या टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं वो भी यहाँ पे बताया गया है। अब नेक्स्ट पेज में देखिए तो टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न, जितने भी चार्ट पैटर्न है शेयर मार्केट के अंदर वर्क करते हैं वो सारा इस बुक में आपको बताया गया है। यहाँ पे टोटल देखिए 16 चार्ट पैटर्न है। अब यहाँ पे कुछ बुक का डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मेन जो बात है वो है आपको समझने के लिए ये बुक कैसी है वो इस एक एग्जांपल के साथ आप समझ सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है, हैमर कैंडल स्टिक। अगर आप हैमर कैंडल के बारे में नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हैमर कैंडल स्टिक कैसा होता है और इस पर ट्रेड कैसे लिया जाता है, ये सिंपली इस बुक में बताया गया। यहाँ लिखा है यह एक बुलिश कैंडल स्टिक है, यह रेड और ग्रीन किसी भी कलर में हो सकता है। अब यहाँ नीचे एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे बताया गया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ लिखा है हाउ टू ट्रेड। सबसे पहले या कोई सपोर्ट एरिया पे बना हो, यानी हैमर कैंडल कोई सपोर्ट एरिया पे बना हो या ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया पे बना होना चाहिए। हैमर कैंडल के हाई के ऊपर दूसरी कैंडल क्लोज किया हो, जैसे ये हैमर है इसके ऊपर देखिए यहाँ दूसरी कैंडल बना और क्लोज किया है, उसके बाद मेरी एंट्री हैमर के हाई के ऊपर हो जाती है। हैमर कैंडल के हाई के ऊपर मेरी एंट्री हो चुकी है, हैमर कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के, यही हैमर है इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के मेरा यहाँ पे एंट्री हो चुका है और मेरा जो टारगेट जो होगा कम से कम 1:2 होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1:2 मिनिमम लिखा है, यानी अगर मेरा स्टॉप लॉस 100 रुपये का है, जैसे हैमर का स्टॉप लॉस 100 रुपये है, तो मेरा टारगेट जो होगा यहाँ पे 200 रुपये का मेरा होगा। तो सिंपली इस बुक में इतना आसान भाषा में बताया गया है। ये हैमर कैंडल ही नहीं है, आगे चलिएगा तो शूटिंग स्टार कैंडल है, इस पर कैसे ट्रेड लिया जाता है, इसका क्या क्राइटेरिया है, सब बताया गया है। आगे जाइएगा तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक है, फिर हैंगिंग मैन है, ग्रेव स्टैंडोजी है, यहाँ पे देखिएगा तो बुलिश हरामी है, यहाँ पे देखिएगा बेयरिश हरामी है, यहाँ पे बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक्स है। तो ऐसे 16 कैंडल स्टिक्स हैं जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट माना गया है और स्विंग ट्रेडिंग में स्पेशली स्टॉक्स में बनेगा तभी आप इसमें ट्रेड लीजिएगा। डिस्क्लेमर के लिए बता दूँ, इंडेक्स में ये वर्क नहीं करता है। बहुत से लोग पागल हो रहे हैं इंडेक्स में इसे यूज करते हैं, वहाँ वर्क नहीं करता है। बैंक निफ्टी निफ्टी में वर्क नहीं करेगा कैंडल स्टिक, समटाइम्स वर्क करेगा और स्टॉक्स में आपको वर्क करेगा ही करेगा क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है और इस वजह से यहाँ पे बेयरिश, जैसे ये पे जितना भी कैंडल स्टिक्स है इसे मैं यूज़ करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्योंकि स्टॉक्स में ये वर्क करते हैं। और सिंपली मेरा एक ही यहाँ रूल है, स्टॉप लॉस लेता हूँ नहीं तो टारगेट लेता हूँ, बस बीच में हम कुछ नहीं करते हैं अपने मर्जी से। अब मैं बता देता हूँ कि इसमें पैटर्न भी हैं, पैटर्न का एक दो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो सिंपली हम पैटर्न पर चलते हैं तो यहाँ से मेरा पैटर्न स्टार्ट होता है, जैसा कि इसमें नाम दिया गया डबल टॉप पैटर्न। इसका क्या इमेज है, क्या फिगर है, कैसे बनता है ये यहाँ पे बताया गया है और इस पैटर्न में कैसे आपको ट्रेड लेना है ये भी बताया गया है और एग्जांपल के साथ। यहाँ दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यह एक बेयरिश चार्ट पैटर्न है, यह अप ट्रेंड में बनता है, यह एम के आकार के होता है, जैसे एम के आकार के। हाउ टू ट्रेड, ट्रेड कैसे ले, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जब डबल टॉप के नेक लाइन को ब्रेक करके प्राइस नीचे क्लोज करें,
जैसे ये नेक लाइन है, इसको ब्रेक करके प्राइस नीचे क्लोज करें तब मेरी एंट्री बन जाती है उसी कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के। और टारगेट जो आपको बताया गया है वो है मिनिमम 1:2। यहाँ पे एग्जांपल के साथ आप समझ सकते हैं, एम पैटर्न है। यहाँ पे देखिए तीर जिसमें बना हुआ है यही कैंडल ब्रेक डाउन किया है और उसके नीचे कैंडल देखिए क्लोज किया है, यहाँ एंट्री हो जाती है और जो कैंडल ब्रेक किया है उसी के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। और टारगेट आपको पता है 1:2 मिनिमम लेना है। तो दोस्तों इसी तरीके से बहुत सारे पैटर्न हैं, हैंड टेबल बॉटम पैटर्न हो गया आपका, ट्रिपल टॉप पैटर्न हो गया, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम हो गया, बुलिश फ्लैग पैटर्न हो गया, बेयरिश फ्लैग हो गया, इसी तरीके से बेयरिश रेक्टेंगल पैटर्न हो गया, इसमें बहुत सारे पैटर्न हैं, बेयरिश पीनट पैटर्न हो गया। और मेन जो फेवरेट है बहुत से लोग इसमें यूज़ करते हैं यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न। तो दोस्तों इसके बारे में भी यहाँ पे कैसे ट्रेड लिया जाता है वो सारा कुछ इस बुक में बताया गया है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं इसे पर्सनली यूज़ करता हूँ और इसी से पैसा बनता है। सिंपली इसे स्टॉक्स में यूज़ करता हूँ और वो स्टॉक्स में जिससे मैं होल्ड कर सकूँ जो क्वालिटी के स्टॉक्स होते हैं। यहाँ दोस्तों अगर शेयर मार्केट में जेन्यून तरीके से रुपये बनाना है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, पेनी स्टॉक्स आपको दूर रहना होगा, लोन लेकर ट्रेड नहीं करना होगा और ऑप्शन से आपको बहुत दूर रहना होगा। जो ऑप्शन को प्रमोट कर रहे हैं वो ऑप्शन में खुद लॉस में हैं और आपको कोर्स सेल करके यहाँ पे रुपया बना रहे हैं। तो दोस्तों इस बात को आपको ध्यान रखना है। सिंपली अगर आपको इस बुक को लेना है तो सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर कोई आईडी मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये रही मेरी इंस्टा आईडी। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो में इस बुक के बारे में समझने के लिए मिला होगा और ये बुक स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट है अब तक।